देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जिस तरह वृंदावन की लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी तरह बुंदेलखंड की लठमार दिवाली भी प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए मौनियों ने हाथों में मोर पंख लेकर विशेष नृत्य व पारंपरिक दिवाली नृत्य किया, जिसमें इस विदा के पारंगत बुजुर्ग, युवा व बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में 18 से 20 की संख्या में ढोल नगारे के ताल पर जमकर झूमे और जोश में भरकर लाठियों से एक दूसरे पर वार किए। इनके पैरों व कमर में बधे घुघरुओं की रुंझुर के साथ लाठियों की तड़तड़ाहट में उनके शरीर की लोच, स्फूर्ति और चतुराई देखते ही बनती है। 36 विधाओं का यह करतब मार्शल आर्ट को भी फेल कर देता है, और जिसने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस नृत्य को न देखा हो, उसके तो इस नृत्य को देख कर लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। ये भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में चढ़ाई जाती है, भगवान कृष्ण मौन चढ़ाई, इसलिए ये पूजा की जाती है। और ये दिवाली मौन चढ़ाई जाती है, दिवाली खेली जाती है, गोवर्धन पूजा होती है, कृष्ण भगवान को प्रति। ये दिवाली खेल रहे हैं, पुरखों की परंपरा है, चल रही है। ये दीपावली त्योहार के उपलक्ष में जो है ये नृत्य कला खेलते हैं बच्चे बुजुर्ग है। ये महोखर गांव के है दिवाली नृत्य। कौन सा है नृत्य? ये दिवाली कला है भाई, दिवाली नृत्य है। दिवाली नृत्य क्यों क्यों खेला जाता है? ये पूर्वजों से खेलते चले आए श्री कृष्ण भगवान के ऐसी। ये नृत्य कृष्ण भगवान का पुतला है, इसको एक उंगली से कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसके खुशी से उसी के कारण ये नृत्य क्रिया होती है, उसी से उपलब्ध में चल रही है। कौन सा नृत्य है ये, क्या नाम है? ये नृत्य दिवाली यही नाम से चलता है। चलता तो ये बुंदेलखंड में ज्यादा, बुंदेलखंड में है और ये बरसाने में नंदगांव में। ये मौन इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहले कृष्ण भगवान ने मौन चढ़ाई थी, उसके बाद जब देखते हुए लोग बाग भी चढ़ाने लगे हमारे, और फिर जो 12 वर्ष गांव में चढ़ाई जाती, इसके बाद मथुरा वृंदावन में जाया जाता है 13वीं वर्ष, और ये चढ़ा के पूरा करके इसके बाद मौन पूजा भी करनी पड़ती है, इसकी मौन भोज करना पड़ता है, और इसमें बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये पुण्य की बात है और कोई बात नहीं है, किसी चढ़ाई जाती है, अपना अपना पुण्य धर्म है हिंदू मानव का। ये सब लोग खुशी में इसलिए दिवाली खेलते हैं कि 14 बरस बाद राम भगवान जी रावण का वध करके आए थे गांव में, तो इसलिए दिवाली में लोग बस नाचते हैं, धूम मचाते हैं और दिवाली खेलते हैं। पेश है बांदा से हमारे संवाददाता अरवाज खान की खास रिपोर्ट।